क्या आपने किसी डॉक्टर को ये कहते सुना है कि आपको 1 मीटर या 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले आई ग्लासेस की जरूरत है? या क्या आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि आपके आई ग्लासेस का फोकल लेंथ क्या है? नो, जनरली हम पूछते हैं आई ग्लासेस का पार क्या है, लेकिन ये लेंस का पार क्या है? हमने फोकल लेंथ और कर्वेचर के रेडियस के बारे में पहले जान लिया है। इस सेशन में हम देखेंगे एक लेंस का पार क्या होता है और वो फोकल लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस लाइट कन्वर्ज करता है और एक कॉनकेव लेंस लाइट डाइवर्ज करता है, लेकिन अगर हम नोटिस करें तो डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस लाइट को डिफरेंट वेज में डेविएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो डिफरेंट फोकल लेंथ के दो कॉन्वेक्स लेंसेज लें तो हम नोटिस करेंगे कि लेस फोकल लेंथ वाला लेंस लाइट को ज्यादा डेविएट कर रहा है। तो हमें इस लाइट के डेविएशन को मेजर करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। एक लेंस से लाइट रेज के अचीव हुए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को उसका पावर कहते हैं। तो जब लेंस लाइट को ज्यादा डेविएट करता है तो हम कहते हैं कि उसका पावर ज्यादा है। अब देखेंगे कि जब फोकल लेंथ डिक्रीज होता है तब लाइट ज्यादा बेंड होती है और पार इंक्रीज करती है। इसका मतलब एक लेंस के फोकल लेंथ को उसके पार से रिलेट किया जा सकता है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तब पार इंक्रीज होती है। मैथमेटिकली इससे पी इज इक्वल टू 1/f से दिया जाता है। इससे पहले कि हम इस फॉर्मूला को यूज करें, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले तो फोकल लेंथ के वैल्यू को हमेशा मीटर्स में लिया जाता है, तो 40 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ के लिए हमें 0.4 मीटर यूज करेंगे। दूसरा, हमें साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना होगा। साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हमें कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे और एक कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। क्योंकि फोकल लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंस के पार का यूनिट मीटर इनवर्स होगा। लेकिन लेंस के पार के इस यूनिट को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे डायोप्टर कहते हैं और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस के पार 1 डायोप्टर कहलाता है। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है, फिर उसका पार 1 डायोप्टर होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसका पार 1/0.5 मीटर यानी 2 डायोप्टर होगा। और अगर एक कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ 0.4 मीटर है तो उसका पार 1/-0.4 डायोप्टर या -2.5 डायोप्टर होगा। अब ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां लेंसेज की कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, जैसे कि कैमरास, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एक्सेट्रा में मल्टीपल लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है इमेज के मैग्निफिकेशन और शार्पनेस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन हम इन लेंसेज के कॉम्बिनेशंस के पार को कैसे कैलकुलेट करें? ये बहुत सिंपल है। अगर मल्टीपल लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा गया है तो लेंसेज के कॉम्बिनेशन का पार इंडिविजुअल लेंसेज के पार का एल्जेब्रिक सम होगा, या सिंपली पी इक्वल्स P1+P2+P3 एंड सो ऑन। है ना सिंपल? अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आई डॉक्टर्स पार यूज करते हैं फोकल लेंथ की जगह। ये लेंसेज के मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हमारे आईज के लिए परफेक्ट लेंस ढूंढने के लिए। फोकल लेंथ को हर बार ऐड करना काफी टीडियस है, लेकिन पार्स का एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करना इजी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर 1 मीटर और 2 मीटर फोकल लेंथ के लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1/f = 1/1 मीटर + 1/2 मीटर होगा। इसे सॉल्व करने पर हमें 1/f = 3/2 मिलता है, जो हमें f = 2/3 मीटर और 0.67 मीटर देता है। दूसरी तरफ, अगर हम कहें कि डॉक्टर 1 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर पार के लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का पार होगा p = 1 डायोप्टर + 0.5 डायोप्टर, जो कि 1.5 डायोप्टर होता है। इसलिए हम जनरली फोकल लेंथ की जगह पार यूज करते हैं। आई होप आपने अब पार ऑफ लेंसेज का पार रियलाइज कर लिया। अब जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि एक लेंस से लाइट रेस के अचीव हुए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को उसका पार कहते हैं। फिर हमने देखा कि पार 1/फोकल लेंथ के इक्वल है, जहां फोकल लेंथ मीटर्स में होता है। फिर हमने डायोप्टर को पार के एसआई यूनिट की तरह डिफाइन किया।
लास्ट में देखा कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए लेंसेज के कॉम्बिनेशन का पार इंडिविजुअल लेंसेज के पार्स का एल्जेब्रिक सम होता है। इससे पहले कि हम आज का सेशन एंड करें, ये रहा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या होगा अगर हम सेम फोकल लेंथ यानी 2 मीटर का एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस रखें, यानी साथ में रखें? यस, हम उनके पार्स को ऐड कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पार है 0.5 डायोप्टर और कॉन्केव लेंस का पार है 0.5 डायोप्टर -0.5 डायोप्टर। इनका एल्जेब्रिक सम है 0। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। इंटरेस्टिंग है ना? आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू सून। कीप लर्निंग।